हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 जनरल इंग्लिश का लेसन 2 द वाइज मैन पार्ट 1 इसके वर्ड पावर को। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन और कॉम्प्रिहेंशन देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ए है आपका राइट वन वर्ड फॉर दीज, दिए गए जो क्लू हैं उनके लिए वन वर्ड देना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट है आपका वन हु ट्रेन्स हॉर्स, जो घोड़े को ट्रेन करता है, प्रशिक्षण देता है, वो कौन कहलाता है? तो उसका आंसर होगा हॉर्स ट्रेनर। सेकेंड है वन हु लुक्स आफ्टर शीप, जो भीड़ों की देखभाल करता है उसे बोलते हैं शेपर्ड, चरवाहा। थर्ड है वन हु राइड्स एंड कंट्रोल एन एलिफेंट, जो एलिफेंट को कंट्रोल करता है, उसकी सवारी करता है, वो कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है महावत। फोर्थ है आपका द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल इन ए सर्कस, सर्कस में जो जंगली जानवर हैं उनको, जो जंगली जानवर जो हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो कहलाता है रिंग मास्टर। ये था ए। देखते हैं बी को। बी में है मैचिंग्स, मैच द टू कॉलम्स, दोनों जो कॉलम्स हैं उनको मैच करना है। कलेक्टिव नाउंस हैं उनको मैच करते हैं। फर्स्ट है आपका अहर डॉग, तो इसको मैच करेंगे कैटल से, सामने का सामने। अब बंच ऑफ, बंच ऑफ का मतलब होता है गुच्छा, तो इसे मैच करेंगे ग्रेप्स के साथ में, अंगूर का गुच्छा। देखते हैं थर्ड को। थर्ड है आपका हीप ऑफ, हीप का मतलब होता है ढेर, ढेर जो होता है वो किससे मैच करेंगे? इसको मैच करेंगे स्टोन से, पत्थरों का ढेर। नंबर फोर है अब बुके ऑफ, बुके जो होता है ये भी गुच्छा होता है लेकिन फूलों का, फ्लावर। इसको करेंगे सामने का सामने। फाइव है आपका अस्वार्म ऑफ, स्वार्म का मतलब होता है झुंड, ये होता है मधुमक्खियों के लिए यूज, तो अस्वार्म ऑफ बीज, इसे मैच करेंगे बीज के साथ में। देखते हैं नंबर सिक्स जो लास्ट है एन आर्मी ऑफ, आर्मी का मतलब होता है सेना, तो ये बनती है सोल्जर्स से, तो इसे मैच करेंगे सोल्जर्स के साथ में। तो आपका ऊपर से होगा 1, 6, 5, 4, 2, 3। तो ये थी हमारी वर्ड पावर जिसे हमने वन बाई वन कवर किया। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।